हेलो गाइस, तो आज हमारे नेशनल हैंडलूम में शॉपिंग करने और मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आपको ऐसी आवाज सुनेगी। और बच्चे लिफ्ट में चढ़ के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मानो कभी पहले उन्होंने लिफ्ट ही नहीं देखी हो। ये भैया लिफ्ट बंद हो गए, हम तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर नहीं सावी, हम तो नीचे जा रहे हैं। भैया मुझे ये वाली गाली चाहिए। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में। और ये देखो मम्मी है ना हैंडलूम में आती, लोअर देखने लग जाते और इतनी कंजूस है कुछ खरीदती भी नहीं है। ये देखो गाइस, मैंने आपको पहले कहा था मम्मी कुछ नहीं खरीदेंगी। और हम लोग अब जा रहे हैं अपने लिए शूज खरीदने, और शूज तो मम्मी को खरीदने ही पड़ेंगे क्योंकि वो तो हमें स्कूल में पहन के जाने हैं। यार गाइस लिफ्ट में चढ़ते ही तो पेट में गुदगुदी सी होती है, आप लोगों को भी होती है क्या? तो कमेंट में बताना जल्दी से। फाइनली गाइस हम लोग हैंडलूम से बाहर आ गए और पहुंच गए अपनी शू शॉप पे। और गाइस यहाँ पर भी मम्मी है ना अपनी कंजूसी दिखाने से बाज नहीं आ रही। बार बार शॉप वाले अंकल को सस्ते जूते दिखाने को बोल रही है, पर मैं तो महंगे ही लूंगा आज। मुझे तो सस्ते जूते दिलवा रही है और मेरी बहन को महंगे वाले दिलवा दिए। पर कोई बात नहीं गाइस, आज तो मैं ना अपने आप जूते पसंद कर लूंगा क्योंकि है ना मम्मी तो हमेशा मेरे को सस्ते ही दिलाती हैं। आज देखता हूँ मम्मी की जेब खाली करवा के जाऊंगा। ये गाइस फाइनली मैंने भी महंगे जूते खरीद लिए और देखो मेरी बहन कैसे उछल रही है जूते लेके। चलो अब आज तो बहुत खर्चा करवा दिया। देखो गाइस मेरी बहन कितनी जल्दी जल्दी जा रही है क्योंकि उसे है ना जूस वाला दिख गया। और ये जब भी बाहर आती है ना तो कुछ ना कुछ खा पी के जरूर जाती है या कुछ ना कुछ खिलौने जरूर लेती है। और यहाँ पे भी इसको ये लैम्बोर्गिनी वाली गाड़ी चाहिए पर मेरी मम्मी इतनी कंजूस है, उन्हें रेट देख के मना कर दिया। और ये देखो गाइस मुझे तो आइसक्रीम मिल गई पर ये तो रोते रोते जा रही है। साबित चल चुपचाप, बेइज्जती मत करवा वरना मार पड़ेगी तुझे, देखना। गाइस मम्मी बाहर है बहुत गुस्सा और ये गाड़ी के लिए जिद कर रही है और सब लोग देख रहे हैं, इसने इंसल्ट करवा दिया। क्या आपकी बहन भी इतनी जिद करती है? कमेंट करके जरूर बताएं।